क्वेश्चन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। भाई हॉर्टिकल्चर कैसे हमारे रूरल एम्प्लॉयमेंट में या रूरल डेवलपमेंट में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो हॉर्टिकल्चर अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, हॉर्टिकल्चर रेफर्स टू द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स ट्यूबर क्रॉप्स फ्लावर्स मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। मतलब जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहाँ पे कि आप फल को सब्जियों को ट्यूबर क्रॉप्स जैसे आलू शकरकंदी ये सारी ट्यूबर क्रॉप्स हैं। देन आता है फ्लावर्स मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मेडिसिन जो वो प्लांट्स जो दवाइयों के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे एरोमेटिक प्लांट्स जो अपनी स्मेल के लिए यूज़ किए जाते हैं और उनको यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए, स्पाइसेस मसाले एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। तो जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो इन सब चीज़ों में को इंक्लूड करती हैं उसको हम हॉर्टिकल्चर के हेडिंग में पढ़ते हैं। अब भाई हॉर्टिकल्चर हमारी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 6% ऑफ GDP ऑफ इंडिया। हमारे टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट का जो 1/3 के बराबर का वैल्यू है वो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर से आता है और इंडिया के टोटल GDP का 6% हॉर्टिकल्चर में जनरेट होता है। अगला पॉइंट, शेयर इन वर्ल्ड प्रोडक्शन। इंडिया का प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि इंडिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में 2nd नंबर के रैंक पर आता है। थर्ड पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन। भाई हॉर्टिकल्चर से क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी फार्मर्स हैं या उनके जो मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर में फार्मिंग में एम्प्लॉयड नहीं हो सकते वो हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व होकर अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं, वो एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग जो जैसे लैंडलेस लेबरर्स हो गए जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं अपनी और जिनको रेंट पर या एज टेनेंट उनको ज़मीनें नहीं मिल पाती, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके अपने इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा और भी है, ग्रेट स्कोप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पे वो वुमेन जो कि खेतों में जाके काम नहीं कर सकती क्योंकि उनको अपने घरों को भी देखना होता, तो उस तरह की जो वुमेन है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकती हैं। मेन एक्टिविटीज जहाँ पे कि वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती हैं जैसे कि फ्लावर हार्वेस्टिंग, फूलों को उगाना या उसको प्रोसेस करना, फ्लावर एंड फ्रूट्स प्रोसेसिंग, अगेन फ्लावर एंड फ्रूट प्रोसेस करके उसको मार्केट तक पहुँचाना, देन सीड प्रोडक्शन, बीजों को उत्पादन करना एंड नर्सरी मेंटेनेंस। नर्सरी मेंटेनेंस जहाँ पे कि हम अलग अलग टाइप के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और उनको सेल करके अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर हमारी इकोनॉमिक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जा सकती है।